अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे मेरे प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए न्यू स्टाइल के रगड़े की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो बहुत ही झटपट और यूनिक तरीके से तैयार होता है, तो आप इसे अपनी रसोई में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर हम रगड़ा बनाने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुकर ले लिया है और इसमें मैं 5 से 6 घंटा सोक किया हुआ वाइट मटर डाल दूँगी। तो यहाँ पे मुझे पानी थोड़ा कम लग रहा था, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा और पानी ऐड किया है। तो बिल्कुल साफ शफाफ पानी हमें इसमें इस्तेमाल करना है, क्योंकि जो सोक किया हुआ रहता है, कुछ कुछ कभी कभी पानी गंदा हो जाता है, तो आप उसे निकाल दीजिए। यहाँ पे मैंने 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और नमक हसबे जायका डाल दिया है। और बस अब हम इसको 15 मिनट तक बॉईल करेंगे। अब आप अपने चॉइस के हिसाब से इसे बॉईल कीजिए। एकदम अच्छा और मैश होने तक इसे गलाना है। अब यह हमारा जो वटाना है गल चुका है, अब हम इसे बगार देंगे। बगारने के लिए मैंने एक बर्तन ले लिया है और इसमें मैं 2 टेबलस्पून ऑयल डाल दूँगी। जब ये ऑयल हल्का सा गर्म हो जाए, तो इसमें मैं 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी और इसे अच्छी तरीके से भून लूँगी। जब ये भून जाए, तो इसमें मैं 1 टेबलस्पून हरी मिर्च का पेस्ट डालूँगी। आप अपने चॉइस के हिसाब से हरी मिर्च कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसे अच्छी तरीके से भूनने के बाद में हम इसमें बॉईल किया हुआ मटर हम इसमें डाल देंगे और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि इसमें नमक वगैरह कुछ कम ना हो। फिर कुकर में जो लगा हुआ हमारा मटर है, उसे अच्छी तरीके से पानी डाल के साफ़ करके धो के इसमें ऐड कर देंगे। 5 मिनट पकाने के बाद में इस पर हरा धनिया छिड़क कर हम इसे सर्व करेंगे। थोड़ा इसकी ये पतला रहता है, ताकि ये हवा में ठीक हो जाए, मैं इसे पतला ही बनाती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।